जल्दी कार्रवाई क्या लगता है? देखिए, जानबूझ करके किया गया है। ये 2 साल की सजा जो माने क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस है, माने भारतीय इतिहास में किसी को 2 साल की सजा नहीं मिली। ये पहली मर्तबा है कि किसी को 2 साल की सजा मिली। मैक्सिमम सजा है 2 साल का, और देखिए किस तरह का ये जोड़ है कि मिनिमम सजा 2 साल जिसका होगा उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो मैक्सिमम यहाँ 2 साल का है, मिनिमम वहाँ 2 साल का है। और अभी 20 दिन पहले हाई कोर्ट जो प्रोसीडिंग लोअर कोर्ट में स्टे किए हुए था उसको उसने ओपन किया और 20 दिन में ये फैसला हो गया। तो ये जानबूझ करके नियोजित ढंग से ये किया जा रहा है, ये साबित हो रहा है कि किस ढंग से लोकतंत्र को ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के का भय है। अब देखिए, ये 2 साल की जो सजा है, 2 साल ख़त्म होगा, उसके बाद जो प्रावधान है उसके हिसाब से 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कितनी बड़ी साजिश है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट के बाहर जो है किस तरह से रखा गया, ये स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जो केस है वो जानबूझ करके एकदम प्लांड करके माने इस तरह की सजा जो है दिलवाई गई है। लेकिन इसका एक फायदा ये हुआ है कि तमाम विपक्षी दल जो पहले कांग्रेस के साथ नहीं भी थे, आज वो इस मामले में सब लोग एक साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी हों या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, अरविंद केजरीवाल हों, के सब लोग इस मामले में एक फ्रंट पर आ गए हैं। ये एक उपलब्धि है और हम ये मान कर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको देखेगा। जिस ढंग से ये कार्रवाई हुई है इसी में साजिश का गंध आ रहा है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा। और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि ये नहीं टिकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में टिक भी गया तो जनता जो है सड़क पर उतरेगी। सब लोगों ने ये तय किया है और हम ये मानते हैं कि बगैर जन आंदोलन के, आप देखिए कि इजराइल में यही हो रहा है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से अपने कब्जे में रखा जाए, इसके लिए वहाँ के प्रधानमंत्री जो कानून बनाने जा रहे हैं, बनाने का प्रस्ताव है, वो पूरा का पूरा इजराइल जो है सड़क पर उतरा हुआ है। ये स्थिति है। इसके पहले जो है पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ साहब के सामने जो चीफ जस्टिस वहाँ के थे उनको हटाया गया, जनता सड़क पर उतरी और फिर से उनको बैठाना पड़ा जनता के दबाव में चीफ जस्टिस से कुर्सी पर। यहाँ भी ये स्थिति जो है धीरे धीरे बन रही है और उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगा क्या साजिश हुई है। और दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये संदेश है कि अगर सब अलग अलग रहे, लड़ते रहे, तो सबका जो भविष्य है वो क्या होने वाला है दिखाई दे रहा है। तेजस्वी भी, तेजस्वी को लगता है सर कि क्या सर, तेजस्वी अब वहाँ तो गए हैं बातचीत के लिए, तो बुलाया है सर। तेजस्वी ने तो चुनौती दिया था, क्या नाम है, CBI को और ED को अंगूठा दिखाया था और कहा था कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपने हमारे यहाँ जो